नवीन उलग भाई सलाम है आपको, लियुपुड भाई सलाम है आपको, मोहम्मद हारिस आपको सलाम है, जिन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया और विकेट के पीछे लगभग में टीम की कप्तानी कर रहे थे, सबको सलाम है। पेशावर जलमी ने शानदार जानदार जीत हासिल की 174 रन पर। मुझे नहीं लग रहा था कि ये 180 रन भी जो है डिफेंड कर पाएगी पेशावर जलमी की टीम, क्योंकि बल्लेबाजी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है भाई, मजा आ गया। आरिफ याकूब और डीआरएस पर भी मैं आऊंगा। आरिफ याकूब को सच में मैं बताऊं, आज कम से कम 4 विकेट मिलने चाहिए थे, इतने कैच ड्रॉप्स हुए, मिस जजमेंट हुआ और फील्डिंग मिस्टेक हुआ। मुझे मैं तो उम्मीद लगभग में छोड़ बैठा था कि भाई आज मैच भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन कसम से ऊपर वाला साथ था, आंख गड़ाए हुए थे और आखिरी ओवर में 22 रन की दरकार थी। 5 रन से जो है पेशावर जलमी ने जीत हासिल किया है और विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा है मुल्तान सुल्तान के, जिन्होंने लगातार 3 जीत हासिल की थी। आखिरी ओवर में क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इफ्तिकार अहमद स्ट्राइक पर थे, अफगानी नवीन उलग जो है वो गेंदबाजी करने के लिए आए। इससे पहले एक ओवर पहले ही कैच लेने के चक्कर में उनके सिर में जबरदस्त चोट लगी थी, चेहरे पे चोट लगी थी। इसके बाद कंकशन के लिए उनको बुलाया गया था, डॉक्टर वगैरह ने देखा, बोला भाई बिल्कुल फिट है, आखिरी ओवर डालने के लिए आया और पहली गेंद पर कोई रन नहीं, मतलब बाउंसर करार दिया गया और एक बाउंसर हुआ था, लेकिन अगली गेंद वाइड हो गई। फिर उसके बाद दूसरी गेंद पे ना एक चौका लगा, लीकूट से एक फील्डिंग मिस्टेक हो गई और वहां पे वो चौका जाना नहीं था, एक आसान सा बाउंड्री पर था वो और वहां पे वो पकड़ नहीं पाए, चौका चला गया। इसके बाद तीसरी गेंद फिर वाइड, अब 4 बॉल में 16 रन की दरकार थी। दिल धक धक कर रहा था, कसम से लग रहा था आज फिर इफ्ती मानिया तो कुछ ना कुछ करेंगे और किया, तीसरी गेंद वाइड। इसके बाद अगली गेंद पे एक चौका लगा उधर गली की तरफ, फिर चौथी गेंद पर इफ्ती मनिया ने छक्का लगा दिया भाई। उसके बाद 2 गेंदों पे 6 रन की दरकार, सिर्फ 1 छक्के की जरूरत थी। पिंडी का ग्राउंड एक तरफ का बहुत ज्यादा छोटा था, लेग साइड बहुत ज्यादा छोटा था और मुझे लग रहा था अगर लेग साइड की तरफ अगर गेंद गई ना तो आज तो भैया खटिया खड़ा हो जाएगा, अच्छा खासा जीता हुआ मुकाबला मार जाएंगे। लेकिन 5वीं गेंद पर एक लंबा शॉट लगाने के लिए गए और अंपायर ने आउट करार नहीं दिया, मोहम्मद हारिस को लगा कि बैट में लगा हुआ और डायरेक्ट बंदा कॉन्फिडेंट था, उन्होंने उठा दिया, बाबर भाई को दूर से ही इशारा किया कि बाबर भाई डीआरएस लो, डीआरएस लो, डीआरएस लो और डीआरएस लिया। इफ्तिकार अहमद आउट और आखिरी गेंद पर नवीन उलग ने शाहनवाज दहानी को बोल्ड मारा और इसके साथ ही पेशावर जलमी ने जीत का खाता खोल लिया। मजा आ गया भाई आज का गेम देखकर, दिल धक धक कर रहा था। सच बात बताएं अगर आज पेशावर जलमी हार जाती ना मत लेकिन देवदास बन जाता यार, 2 बोतल ज्यादा दारू मैं पी लेता, कसम से मैं बता रहा हूं, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चल जाता यार। पेशावर जलमी का फैन बनना आसान नहीं है कसम से। आरसीबी याद आने लगता है कि आरसीबी के फैंस किस तरीके से बर्दाश्त करते होंगे अपने बॉलर्स, पेशावर जलमी के बॉलर्स भी वैसे ही है भाई, खूब रन लीक करते हैं, बल्लेबाज रन बना दे, इस बार तो बल्लेबाज भी नहीं चला बाबर के अलावा, लेकिन आज जो हसीबुल्ला ने पारी के लिए ना मजा आ गया यार। एक बार मैं आपको ना स्कोर कार्ड बता देता हूं, लेकिन पेशावर जलमी की जीत की ना सबसे ज्यादा खुशी है यार, सबसे ज्यादा खुशी है, मुझे लगा लाहौर कलंदर्स की राह पर जो है पेशावर जलमी की टीम चली जाएगी, लगातार 3 हार हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। सैम अयूब 7 रन, बाबर भाई ने 31 रन, हसीबुल्ला खान ने 18 बॉल पे 37 रन की पारी खेली, 4 चौके 2 छक्के लगाए, मोहम्मद हारिस ने 19 रन बनाए। इसके बाद पॉल वॉल्टर को आगे रखा गया था, 8 बॉल पे 16 रन बनाए, क्या हिटिंग करता है बंदा वो। रोमिन पवेल ने 11 बॉल पे 23 रन और आसिफ अली ने 13 रन। लियुकूड भाई ये कमाल का परचेज है, इसने तो आज गेंदबाजी में ना मुल्तान सुल्तान का धागा खोल के रख दिया। 12 बॉल पे 17 रन लियुकूड ने नाबाद बनाया, पिछले मैच में भी छक्का मारा था। मोहम्मद अली की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, बंदे ने आज 4 ओवर में 23 रन दिया, 2 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर है। लेकिन इसके बाद यासिर खान ने 37 गेंदों पर 43 रन। भाई मेन बात तो तब हुआ जब डेविड मलान बॉलिंग करने गेंदबाज सॉरी
बैटिंग करने के लिए आया, उन्होंने 25 बॉल पे 52 रन बनाया, लेकिन उसको जो है पॉल वॉल्टर उसी के देश का बंदा जो है उसको आउट किया, कैच आउट करवाया, 3 चौका 3 छक्का 208 के स्ट्राइक रेट से बनाया। और फिर निचले ऑर्डर में भाई उसामा मीर आया, उसने भी साले लिटरली 2 छक्के उसने मार दिए। मुझे तो लगा कि आज तो प्रोग्राम वार गया यार, मतलब जो भी आ रहा था छक्के लगा रहा था और इसको आगे प्रमोट किया गया था। डेविड विली पहली ही गेंद पर आउट हुआ। कुल मिला के कलेक्टिव जो एफर्ट्स होता है ना आज वो पेशावर की तरफ से देखने को मिला। ल्यूक वुड ने 4 ओवर में 13 रन 2 विकेट, नवीन उलक ने 4 ओवर में 44 रन 2 विकेट, पॉल वॉल्टर ने 4 ओवर में 35 रन 1 विकेट, आरिफ याकूब को मार पड़ी लेकिन बंदे ने 3 विकेट निकाल के दिया। और यही 3 विकेट ना ये पेशावर जलमी की जीत की नींव रखी है। सलमान इशा 4 ओवर में 39 रन 2 विकेट, ये बंदा रन जरूर देता लेकिन विकेट जरूर निकालता है। तो जिंदाबाद पेशावर जलमी, जिंदाबाद।